दोस्तों 1 दिसंबर 2019 को कोरिया के सारे ऑपरेटर्स ने एक साथ 12 बजे अपने नेटवर्क को 5G पे कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों ये दुनिया में सबसे पहले कंट्री होगी जहां पे आपको 5G नेटवर्क देखने को मिलेगा। हालांकि ये अभी सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहां पे ये सबसे बड़ी बात है कि सारे बड़े जितने भी टॉप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वहां पे, उन्होंने एक साथ ये फैसला करने का डिसीजन लिया और उन्होंने किया भी, और सबने एक ही साथ 5G नेटवर्क को वहां पे अवेलेबिलिटी दिलाई। तो दोस्तों दुनिया में अभी साउथ कोरिया नंबर 1 पे आ गया है। अगर मैं बात करता हूं कि कहां पे सबसे पहले 5G नेटवर्क आई है, तो अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ये 5G सर्विस कितने लोगों के लिए है, तो यहां पे ये सिर्फ कमर्शियली ही रिलीज हुई है। यहां पे अभी प्राइवेट कंज्यूमर्स तक ये सर्विस नहीं शुरू की गई है, और अभी इसे काम में ले रहे हैं जितने भी कोरिया में, साउथ कोरिया में बिजनेस प्रोवाइडर्स हैं वो लोग। तो अभी इन कंपनीज का ऐसा कहना है कि मार्च 2019 तक वो सबको ये सर्विस प्रोवाइड करवा पाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर है एसके टेलीकॉम्स करके, ये साउथ कोरिया के 13 शहरों में अपने कवरेज को पहुंचा चुके हैं और ये सारे पार्क्स में अपने कवरेज को पहुंचा रहे हैं। बेसिकली पूरे देश को ही वो कवर करना चाह रहे हैं अपने नेटवर्क के रीच से। और यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि ये सब मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो दूसरी टेलीकॉम सर्विस है वो है LG U+ के चेयरमैन ने ये कहा है कि वो करीबन 4,105 बेस स्टेशन लगा चुके हैं साउथ कोरिया में, और दिसंबर के अंत तक 7,000 और लगा देंगे, और ये करीबन 85 शहरों को वहां के कवर कर देगा। तो ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि अगर आप इंडिया की बात उठाएं तो यहां पे 4G को नॉर्मल सिटीज में आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था, फिर वो चाहे एयरटेल हो या जियो हो। तो दोस्तों बस इतनी ही थी ये खबर। अब आप देखिए इंडिया में ये कब आता है। हालांकि ये तो अब श्योर हो गया कि अब सारे आने वाले फोन्स में 5G का सपोर्ट होगा ही, और मेरे ख्याल से इंडिया में भी 5G बहुत ही जल्दी आने वाला है। हालांकि यहां पे साउथ कोरिया ने अमेरिका और जितने भी बड़े कंट्रीज है, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, उन सबको 5G के लाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इस पे। क्या आप 5G का वेट कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इंडिया में 4G अभी भी ठीक से नहीं प्रोवाइड हो रही है, तो यहाँ पे 5G की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। अपने सारे सुझावों को कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। मैं अब आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।